चलिए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय जैसे हम लोग तीसरा सेशन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं आप अपनी बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेल लिए, और फिर अभी भी बात करते रहिए लॉर्ड हम में से हर एक से, ताकि हम सच में प्रभु आपके लिए एक निवास स्थान बन पाए। कानों को दीजिए लॉर्ड सुनने के लिए, आँखों को दीजिए सच्चाई को देखने के लिए, समझ को दीजिए लॉर्ड कि हम परख पाए और जान पाए कि सत्य का मार्ग क्या है, वो पुराने ऐतिहासिक प्रेरितों का सिद्धांत क्या है। हृदय, वो हृदय को दीजिए लॉर्ड जो ठोकर नहीं खाता है लॉर्ड, लेकिन आपका वचन जिसमें बना रह सके। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। हम लोग देख रहे हैं और देखते आए हैं कि कैसे वचन को लगातार ग्रहण करते रहना है, प्रेरितों का सिद्धांत को ग्रहण करते रहेंगे और हमारे अंदर जो गढ़ है वो धीरे धीरे करके वो टूटता रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा है जब हम लोग के अंदर, जब हम लोग लगातार वचन को सुनते हैं। आप मत सोचिए कि वचन सुनना गलत है या सही शिक्षा सुनना गलत है, लेकिन एक खतरा जरूर है जब आप अपने आप को आत्मिक धन के बीच में पाते हैं। एक खतरा जरूर है। एक कवि ने लिखा है अंग्रेजी में, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, जल सब जगह है लेकिन पी नहीं सक रहे हैं, एक बूंद पी नहीं सक रहे हैं। यू सी, क्या होता है जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा मिलने लगता है, उस चीज से हम लोग ऊब जाते हैं, उस चीज से हम लोग अनसा जाते हैं, उस चीज का वैल्यू, उस चीज का मूल्य हमारे जिंदगी में घट जाता है। इजराइलियों को मन्ना लगातार मिलते जा रहा था और अंत में उन्होंने कहा, गिनती में लिखा हुआ है, मैं वो पद आपको बताता हूँ, गिनती का 21:5, और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, सो वे परमेश्वर के विरोध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी यानी कि मन्ना। मन्ना को वो लोग कंपेयर करने लगे जो संसार उनको देता था उससे, और कहने लगे ये रोटी जो परमेश्वर हम लोग के लिए बरसा रहे हैं वो निकम्मी रोटी है, इस निकम्मी रोटी से दुखित है हमारा, आर सो लोद दिस मन्ना, हमारा प्राण ऊब गया है इस मन्ना से। इतना ज्यादा उनको लगातार और इतना आसानी से मिल रहा था, उनको मन्ना खोजना भी नहीं पड़ रहा था, वो जहां पे है उस तंबू के बाहर में ही परमेश्वर छावनी में मन्ना बरसा दे रहे थे। और जब आत्मिक धन ऊपर में ही मिल जाता है, हमारा जड़ गहरा नहीं जाता है, और वो आत्मिक धन जो हमें इतना आसानी से मिल रहा है, शायद किसी और का, यीशु मसीह का तकलीफ के द्वारा, यीशु मसीह के दुख के द्वारा, यीशु मसीह जो कीमत चुका है उसके द्वारा, और बहुत सारे संजनों के द्वारा, जैसे जो आत्मिक धन आपको और मुझे मिला हुआ है, बाइबल हम लोग को अपना लैंग्वेज में मिला है, इसके लिए कितने लोग अपना जान दिए हैं, इसको इसका अनुवाद करने के लिए कितने लोग अपना जान दिए हैं, और हमें बहुत आसानी से मिल गया। हम लोग इसे 100 रुपये में खरीद सकते हैं, आप किसी से मांगेंगे आपको फ्री में भी मिल सकता है, और हमारे घरों में बाइबल्स भरा हुआ है। आप चाइना में जाइए, अंडरग्राउंड चर्च में देखिए, 100 लोग का चर्च में एक बाइबल रहेगा। उनके पास जब एक बाइबल उनको मिलता है तो वो लोग रोते हैं, सब लोग एक एक पन्ना फाड़ करके उसको रट लेते हैं, याद करते हैं। हम लोग के पास आत्मिक धन का इतना बहुत आयत है, और बहुत बार एंड ज्यादातर इतना धन पाने के बाद इसका वैल्यू हम लोग, इसका कीमत हम लोग समझते नहीं है। स्पिरिचुअल इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन आपको मालूम होगा, जब कोई देश में आप लगातार नोट को प्रिंट करते जाएंगे, बड़े बड़े रकम का नोट को आप प्रिंट करते जाएंगे। सोचिए अगर इंडिया में 2000 का नोट को प्रिंट करते जाएंगे क्या होगा। अचानक से जैसे जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन इतना बुरा आया कि लोग एक गाड़ी भर भर के नोट ले जाते और उसमें भी एक दूध का पैकेट और एक ब्रेड का पैकेट नहीं मिलता उनको। कुछ समय पहले तस्वीर आ रहा था अंबानी का बेटा का बर्थडे के बारे में, कि उसका बेटा का बर्थडे जिस हॉल में किया गया था उस दीवार में वो लोग अलग अलग किस्म का तस्वीर या हैंडीक्राफ्ट बनाए थे 2000 रुपये का नोट का। 2000 रुपये का नोट से वो लोग उसको जोड़ जोड़ के वहां पे क्राफ्ट बनाए थे।
क्योंकि वहां पे इतना आसानी से धन मिलता है, इतना आसानी से धन मिलता है कि 2000 का नोट को इस्तेमाल किया जा रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। आप बस सोचिए इस बात के लिए, आप उसको स्पिरिचुअली सोचिए, आत्मिक रीति से सोचिए। जब वचन हम लोग को लगातार हम लोग की जिंदगी में आते जाता है, आते जाता है, आते जाता है, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम लोग उस वचन का अहमियत को ना खोए। हमें सावधान रहना चाहिए कि उस वचन के प्रति जैसा जो आदर रहना चाहिए हम लोग की जिंदगी से, जो उस वचन के प्रति योग्य, जो आदर जो उस वचन के योग्य है वो रहना चाहिए हमारे जिंदगी में, वो घटते जाता है, वो घटते जाता है, वो घटते जाता है। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैं अच्छा वचन सुन रहा था, चर्च जा रहा था पास जेम्स का, एंड धीरे धीरे मैं वचन तो सुन रहा था और वचन तो सच्चा आ रहा था, लेकिन मैं अंदर से सूखने लगा। क्यों? क्योंकि वचन का जो अहमियत था, वचन के प्रति जो मेरा आदर था वो घट गया। लौलीनता मेरा नहीं घटा। देखिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर अगर आप अपने आप को शरीर को मारते कूटते हुए अगर आप अपने आप को वो डिसिप्लिन में ला दिए हैं कि आप रेगुलर वचन सुनने वाले हैं, आप लगातार वचन सुनने वाले हैं, वो डिसिप्लिन अगर आप में आ गया है, अगर शैतान आपके अंदर से वो डिसिप्लिन को नहीं तोड़ पाया, तो वो आपके अंदर जो आपका वचन के प्रति जो आदर है, जो भय है, जो रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, उसको घटेगा। अगर वो आपको डिसिप्लिन में कमजोर नहीं कर पाया, आपके अंदर जो परमेश्वर का भय है उसको घटाएगा। यशायाह चैप्टर 66 वर्स 1-2, और ऐसा लिखा हुआ, यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओ। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं किस व्यक्ति में, कैसा व्यक्ति परमेश्वर वास कर सकते हैं, डेरा ले सकते हैं, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यवानी है, ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। ये आपका और मेरा गवाही होगा कि हम लोग शुरुआत में जब वचन सुनते थे, हम लोग के अंदर वो भूख, वो प्यास, वो थरथराना था, वो डर भावना था। तुरंत वचन सुनते डरते और विश्वास करते, ये मेरे जिंदगी में हो रहा है, मैं ये देख पा रहा हूं, और खुद अपने आप को तुरंत जांचते। लेकिन धीरे 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 अब वो इमीडिएट, वो गहरा भय कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, और अब हाँ अच्छा था, चलो अब अगला काम क्या है, क्या करना है अभी, अच्छा आज देखो और दूसरा काम क्या है, दूसरा एक्टिविटी क्या है, आज देखो शायद दूसरा मीटिंग जाना है, ये करना है, वो करना है, अनेक कामों में हम लोग का ध्यान चला जाता है। पहले वचन हम लोग का मन को कैद कर लेता था, और पूरा दिन जो भी हम लोग अलग अलग काम करें, मन के पीछे में वचन लगातार चलते रहता था। मैं लगातार वचन सुनने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वचन लगातार मन में मनन करते रहते, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना हाथों को लेके, वचनों को लेके, आत्मा के द्वारा हमारे मन में वचन को गढ़ दिए थे, ताकि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसके बावजूद अंदर में वो वचन का आवाज लगातार चल रहा था, और लगातार अंदर में वो गहरे रूप से परमेश्वर वचन को गढ़ दिए थे। क्योंकि पौलुस कहता है, आप और हम लोग क्या हैं, हम लोग एक पत्र हैं, वी आर एपिसल्स, हम लोग पत्र हैं, आत्मा के लिखे हुए पत्र हैं। यानी कि परमेश्वर जैसे बेलशाजार के लिए दीवाल पे अपने हाथ से लिखा था, वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमारे विश्वास के कर्ता, और अंग्रेजी में लिखा है ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आर फेथ, वो लिख रहे हैं हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अंदर वचनों को लिख रहे हैं। और ये तभी हो पाएगा जब परमेश्वर अंदर वास करें, और वो किसके अंदर वास करते हैं, जो नम्र, जिसका नम्रता और दीनता बना रहता है। यानी कि समझिए, एक किस्म का धीरज जरूरी है, जो डिसिप्लिन, अनुशासन जरूरी है वचन लगातार सुनते रहने के लिए, खरा उपदेश लगातार सुनते रहने के लिए, और दूसरी तरह हमारा नम्रता और दीनता में भी एक धीरज का जरूरत है। यानी कि लगातार हमें नम्र और दीन बना रहना है, लगातार। ये नहीं कि ओके अब हम बहुत सारा अच्छा काम कर लिए, बहुत सारे पाप पे जय पा ली, अब मेरा नम्रता और दीनता घट गया, क्योंकि अब मैं उतना नहीं गिर रहा हूं जैसा कि वो व्यक्ति गिर रहा है, अब मैं उतना पाप नहीं कर रहा हूं जैसा कि वो भी, अब मैं उतना, मेरे अंदर अब उतना ज्ञान का कमी नहीं है जैसा कि वो नया नौसिखिया लड़का में है, या नया नौसिखिया जो कल चर्च आई है उसमें। एंड बहुत बार ये भावना धीरे धीरे करके अंदर घुस जाता है, हम लोग परमेश्वर के साथ अति परिचित हो जाते हैं। यशायाह का चैप्टर 57 वर्स 15, बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाते हैं,
क्योंकि जो महान और उत्तम और सर्वदा स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित, यानी कि स्वर्ग परमेश्वर का घर है, दूसरा कौन सा जगह परमेश्वर का घर है, खेदित और नम्र मन वाला व्यक्ति, खेदित और नम्र मन वाला व्यक्ति। जैसे आप और मैं परमेश्वर का वचन और प्रार्थना को एक सामान्य चीज जैसा ट्रीट करने लगे, मुंह धोना, खाना खाना, नहाना, पढ़ना, करियर, और हम लोग को वचन भी लगातार सुनते रहना है, हम लोग सब कुछ को लाइफ में फिट कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन वचन को भी अब वही लेवल पर डाल दिए हैं जैसा कि हम लोग की जिंदगी में बाकी चीजों का है। हम लोग का डिसिप्लिन है लगातार पढ़ाई करना, वचन का भी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा डिसिप्लिन है, पढ़ना है, वचन भी सुनना है, खाना खाना है, वचन भी सुनना है, प्रार्थना भी करना है, नहाना है, वर्शिप भी करना है, ये सब कुछ हम लोग का डिसिप्लिन में आ जाता है जो बहुत अच्छा है। लेकिन अब प्रायोरिटी वाइज, प्राथमिकता के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, सब कुछ को एक ही लेवल पर डाल दिए हैं। ये सब कुछ हम लोग का लाइफ में बैलेंस रहना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग के जीवन में रहना चाहिए, एंड उसी नजर, उसी अहमियत से अब बाकी सब कुछ को देख रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि वहां पे देखिए, आप अगर ब्रश नहीं करेंगे, नहीं नहाएंगे, नहीं खाएंगे, तो उतना हम लोग को डर नहीं लगता है, राइट? वो उन चीजों, उन कामों के लिए हम लोग थरथराते नहीं हो, उन कामों के प्रति एक भक्ति नहीं रहता है। लेकिन वचन और प्रार्थना और परमेश्वर के साथ समय बिताना, इसके प्रति एक भक्ति रहना चाहिए। सिर्फ अनुशासन सिर्फ हम लोग का जिंदगी में एक क्रम में नहीं रहना चाहिए, बट एक भक्ति रहना चाहिए, एक भय रहना चाहिए। और वो भय जैसे हम लोग के मन में घट जाएगा, समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग को लग रहा है शैतान मेरा डिसिप्लिन को तोड़ने वाला है, और शैतान उससे ऑलरेडी हट गया है, और शैतान मेरा भक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मेरे अंदर वो भय को कम करने की कोशिश कर रहा है, मेरे अंदर फियर ऑफ गॉड को कम करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रार्थना के दौरान, बाइबल पढ़ने के दौरान, जब हम लोग बाइबल तब पढ़ेंगे जब हम लोग चाहते हैं, प्रार्थना के दौरान अंदर बाहर कॉल्स ये सब कुछ चलता है, चर्चेज में आप देखेंगे चलता है, ये सब कुछ के द्वारा क्या दिखा रहे हैं, ये सब कुछ के द्वारा दिखा रहे हैं कि यस लॉर्ड, लेकिन ये कॉल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको ये करना है, लेकिन वो करना है, एंड साथ ही साथ हम लोग वही मुंह से ये भी बोलेंगे, प्रभु मैं आपके लिए भूखा और प्यासा हूं, प्रभु आप मेरा जिंदगी में पहला था, आप मेरा उद्धार करता, आप मेरा, यू सी, ये चीज धीरे धीरे करके एक अनुभव से बस एक भाषा में हम लोग रिड्यूस कर दिए हैं। पहले ये अनुभव था, पहले हम लोग महसूस करते थे यस लॉर्ड आपका वचन मेरे लिए रोटी है, अब बस भाषा बन गया है, अब वो अनुभव घट के बस एक सिद्धांत यानी कि एक भाषा रह गया है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वी हैव रिड्यूस्ड डिवोशन टू सिविलिटी, टू पोलाइटनेस, यू नो, डिवोशन भक्ति को अब हम लोग घटा के क्या बना दिए हैं, जस्ट सिविल नेचर, यू नो, सिविल नेचर, स्पून और फोक से खाना है, खाते समय हम लोग को, चबाते समय हम लोग को बात नहीं करना है, एंड छींकते समय मुंह में हाथ रखना है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिविल पोलाइट नेचर। कोई आ रहा है तो उसको ग्रीट करना है, दरवाजा खोलना है, उनके लिए चेयर खींचना है, दिस इज सिविल पोलाइट नेचर, वेरी गुड, वेरी गुड। बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली इवन लाइकिंग द पर्सन, यू नो दैट, आई नो दैट, कि पोलाइटनेस हम लोग का बिहेवियर में आ जाता है, सिविलिटी हम लोग का बिहेवियर में आ जाता है, एंड वी कैन डू इट फॉर एवरीवन, वेदर हम लोग उस व्यक्ति को चाहे भी नहीं चाहे। दैट हैपेंस कि हम लोग डिसिप्लिन्ड वे में वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड भाषा हम लोग का प्रार्थना में इतना भक्ति दिखा रहा है, हम लोग का लौलीनता भक्ति दिखा रहा है, लेकिन हम लोग का दिल में परमेश्वर बोल रहे हैं वो पहला सा प्रेम, वो पहला सा भक्ति नहीं है, हम लोग का दिल में वो भय, वो थरथराना नहीं है। यशायाह का चैप्टर 58, हम लोग 57 अभी पढ़े, चलिए हम लोग अभी 58 को पढ़ते हैं, वर्स 1 ऑनवर्ड से ही पढ़ेंगे। गला खोलकर पुकार,
कुछ ना रख छोड़ नरसिंगा का ऐसा ऊंचा शब्द कर मेरी प्रजा को उसकी अपराध अर्थात याकूब को घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति मेरी मार्ग बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं माने वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। यू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं देखो लॉलीनता और डिसिप्लिन में तुम लोग ए प्लस हो, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दिल को जांचते हैं, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मन को परखते हैं, जो मन में देखते हैं कि डू वी सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर का राज्य को खोजना इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग एंड डिसिप्लिन, इट इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, इट इज अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस। ये प्राथमिकता, ये अहमियत का बात है, का मामला है। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे पास्टर्स वर्शिप लीडर्स जो कहते हैं कि परमेश्वर से बुलाए गए हैं सेवा के लिए और या बुलाए जाने वाले हैं सेवा के लिए और कहते हैं कि उनके ऊपर एक अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का पवित्रता के लिए जीरो रिस्पेक्ट रखते हैं। कॉल आएगा निकल जाएंगे। लोग बात करते हैं और पूछते हैं चर्च में कब ऑल नाइट प्रेयर शुरू करेंगे, चर्च में कब 3 डे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग शुरू करेंगे। वही लोग 2 घंटा सर्वन नहीं सुन सकते हैं बिना फोन चेक किए। यू सी आई रिमेंबर हम जाते थे रोमन्स बाइबल स्टडी के लिए ट्यूजडे पास्टर जेम्स लेते थे एंड हम वहाँ बैठते थे एंड जब हमको कॉल आता था हम निकल जाते थे, हम बाहर जाते 20-30 मिनट बात करते वापस आते। परमेश्वर के लिए कोई आदर नहीं था मेरे जिंदगी में। हमको लग रहा था कि हम बहुत आदर करते हैं क्योंकि हम लगातार वो मीटिंग अटेंड करते थे, लेकिन लगातार अगर कॉल है चल जाते थे बाहर। कोई रिस्पेक्ट नहीं था परमेश्वर के लिए, उनका वचन के लिए, उनका सेवक के लिए। एंड तब हम पास्टर जेम्स को बाद में बोलते पास्टर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम एक्चुअली रोमन्स नहीं समझ पा रहे हैं, हम घर में पढ़े लेकिन हम समझ नहीं आ रहा है। पास्टर सिंपली हमको बोलते कि आसान नहीं है समझना, वो भी अभी भी समझने का कोशिश करते रहते हैं और बहुत कुछ है जो वो भी नहीं समझे। एक्चुअली जो मुझे करना चाहिए था समझने के लिए वो सिंपल था, फ़ोन को फेंक दो और चुपचाप बैठो एंड परमेश्वर बात करते हैं। क्या था मेरे अंदर, एक लॉलीनता था, एक डिसिप्लिन आ गया था, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं आया था। खाली थे, क्या करेंगे, चर्च मेरा सोशल सर्कल बन गया था क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड्स बहुत संसारिक थे, तो हम अब वो सब नहीं करेंगे। अब हमको नशा नहीं करना, हमको शराब नहीं करना, हमको गाली गलौज नहीं करना, लड़कीबाजी नहीं करना, हमको अच्छे लोग के साथ रहना। और ये अच्छे लोग चर्च वाले लोग क्या करते हैं, हर एक मीटिंग अटेंड करते हैं और वो लोग बोले एरिक तुम भी आओ अटेंड करो, ठीक है हम गए। लेकिन वो उनके अंदर एक भक्ति था परमेश्वर का वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति एक आदर था उनका, एक भय था, वो मेरे अंदर नहीं था। मेरे अंदर बस जा रहे हैं डिसिप्लिन। लेकिन प्रेज गॉड उसके द्वारा, वो कभी ना कभी परमेश्वर उसके द्वारा और वहां पे थे और लोग परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते थे एंड उसके द्वारा परमेश्वर का अभिषेक मुझे छुआ और मुझे दिखाया। यस मेरा उद्धार हो गया था, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर मुझे दिखाया, मेरे आंखों को खोला और दिखाया कि मेरे अंदर वो भय बिल्कुल नहीं था, मेरे अंदर वो आदर बिल्कुल नहीं था। यीशु मसीह बेथनी जब गए थे और प्रचार कर रहे थे, मार्था बिरयानी बना रहे थे, परमेश्वर के लिए खाना तैयार कर रही थी। यीशु मसीह मार्था को बोले, मार्था तुम पूरा चीज को गलत समझियो, लेकिन प्रभु ये भी तो आपका सेवा ही है। हॉस्पिटैलिटी मैटर्स, लेकिन प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए वर्ड फर्स्ट, पर्सनल डिवोशन फर्स्ट, आपका निजी भक्ति ज्यादा मान्य रखता है। पहला सैमुएल का 6:12-15। तब गायों ने बेतशेमेश को सीधा मार्ग लिया, वे सड़क ही सड़क बंबाती हुई चली गई और ना दाहिने मुड़ी ना बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश के सिवाने तक गए। और बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, वो गाय बैलगाड़ी के ऊपर वाचा का संदूक आ रहा था जो फिलिस्तियों ने हथिया लिया था जब वो लोग इसराइलियों को हराए थे, लेकिन उनका देश में परमेश्वर बहुत दंड भेजे तो वो लोग वापस कर रहे थे। तो इसराइल बेतशेमेश में जब वो वाचा का संदूक आया तो बेतशेमेश के लोग देख के बहुत खुश हो गए। बेतशेमेश बॉर्डर में था और वो लोग बेहद खुश हो गए। एक किस्म का रिवाइवल आ गया था, जागृति आ गया था वाचा का संदूक को देखते हुए।
देखे कि जब वो आ रहा था और गाड़ी यहोशू नाम एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई जहां एक बड़ा पत्थर था। जब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होमबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया, वहां पे तुरंत वो लोग देखे जैसे वाचा का संदूक आया, वो लोग एक वर्शिप सर्विस, एक वर्शिप प्रोग्राम वहीं पे तुरंत ऑर्गेनाइज किए, बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी कि परमेश्वर का उपस्थिति वापस उनके जिंदगी में, वापस इज़राइल में एक प्रकट रूप से आया है। गॉड स्टार्टेड एक्टिंग, गॉड स्टार्टेड वर्किंग, गॉड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, परमेश्वर अपने आप को मैनिफेस्ट किया वहां पे, एंड दे वर वेरी हैप्पी। करेक्ट रिस्पॉन्स, वर्शिप वॉज द करेक्ट रिस्पॉन्स, वो लोग तुरंत वहां पे होम बलि चढ़ाए। और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समय जो साथ था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार कर उसे बड़े पत्थर पर धर दिया, और बेतशेमेश के लोग ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। यह देखकर पलिश्तियों के पांचों सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। दैट इज फाइन, बट नाउ लुक एट वर्स 19 एंड 20। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका, उसने उनमें से 70 मनुष्यों को और फिर 50,000 मनुष्यों को मार डाला, और वहां के लोग ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। पहला सैमुअल को अगर हम लोग पढ़ेंगे, जब इज़राइल हारा और जब ये वाचा का संदूक ले गया गया था, 30,000 लोग मरे। यहाँ पे जब वाचा का संदूक वापस आया, 50,000 से अधिक लोग मरे। ये लोग दुश्मन के मारे हुए नहीं थे, वो 30,000 दुश्मन के मारे हुए थे, ये लोग यहोवा के मारे हुए थे, और ये लोग इज़राइली थे, ये लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। एंड दिस हैपेंड जस्ट आफ्टर अ वर्शिप सर्विस, ये लोग का वर्शिप सर्विस तुरंत बाद, सैक्रिफाइस के तुरंत बाद, ये लोग का आनंद मनाने, ये लोग का नाचना गाना, ये लोग का बड़ा प्रोग्राम, बड़ा मीटिंग, बड़ा रेस्टोरेशन जो हुआ, बड़ा ब्रेक थ्रू, बड़ा आनंद जो हुआ, ब्रेक थ्रू हुआ, छुटकारा हुआ, उसके तुरंत बाद बड़ा जजमेंट आया, बड़ा दंड आया। व्हाई यू ट्रीटेड द आर्क एज एनी थिंग कॉमन। वही वाचा का संदूक क्या अंदर झांकेंगे? यू सी, ये कोई कॉमन, कोई सामान्य चीज नहीं है कि आप अंदर झांक सकते हैं। हम किचन के अंदर झांके, हम बेडरूम के अंदर झांके, हम खिड़की के अंदर झांके, नो, नॉट दिस। ये वाचा का संदूक है। यू नो, इंडिया में मूवी हॉल्स में जब नेशनल एंथम प्ले किया जाता है और अगर आदमी खड़ा नहीं हो रहा है तो बहुत बार हम लोग रिपोर्ट में सुनते हैं कि वो आदमी को पीट दिया गया, वो आदमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगा का जो वो लोग पहनते हैं, बहुत सारे नेता लोग जो पहनते हैं, अगर उससे वो लोग अपना पसीना पोछे तो उनके खिलाफ केस किया जाता है। वाई? क्योंकि वो तिरंगा, वो नेशनल एंथम कोई कॉमन चीज नहीं है जिसके सामने आप बैठ सकते हैं, जिससे आप अपना मुंह पोछ सकते हैं। बिकॉज दैट नेशनल एंथम एंड वो तिरंगा इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, और उसको ये लोग, चाहे वो लोग नेता ही क्यों ना हो, एक कॉमन, एक सामान्य कपड़ा जैसा ट्रीट किए, एक तौलिया जैसा ट्रीट किए और पसीना पोछे, इसलिए उसके उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया जाता है कि दे आर डेसिक्रेटिंग समथिंग, इट इज सैक्रिलेज, कि वो लोग एक पवित्र चीज को एक सामान्य चीज जैसा ट्रीट कर रहे हैं, वो बिना भय के साथ, बिना आदर के साथ, बिना रेवरेंस के साथ। इट इज मोर देन, वो नेशनल एंथम इज मोर देन जस्ट अ ट्यून, इट इज मोर देन जस्ट वर्ड्स एंड गुड लिरिक्स। तिरंगा बस एक क्लॉथ और कोई रंग से बढ़कर है, लेकिन ये लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग तो अभी अभी वर्शिप किए। वी हैव टू रियलाइज मेनी टाइम्स वर्शिप कैन जस्ट बिकम अ डिसिप्लिन, इट कैन जस्ट बी इमोशनल। हम लोग को रियलाइज करना है कि एक नहीं, बहुत बार पुराना नियम में गॉड ऑब्जेक्टेड टू द वे हिज चोजन पीपल वर वर्शिपिंग। उसके पुराने नियम में जैसे उसके लोग आराधना कर रहे थे, गॉड ऑब्जेक्टेड टू इट। परमेश्वर ऑब्जेक्ट किए। इनफैक्ट बाइबल में गॉड हैज मोर टू से अबाउट वेज ऑफ वर्शिप उसके लोगों, आई एम टॉकिंग अबाउट इज़राइल के जिस तरीका से वो लोग आराधना कर रहे थे, गॉड हैज मोर टू से अबाउट दैट, कि कैसे उसके लोग आराधना कर रहे थे, मोर देन अन्य जाति के लोग और अविश्वासी लोग अपना देवी देवताओं का कैसे आराधना कर रहे थे। उसके बारे में उतना परमेश्वर नहीं बोलते हैं बाइबल में, जितना कि वो अपने लोगों को डांटते हैं और अपने लोगों को ताड़ना देते हैं वर्शिप के विषय में, आराधना के विषय में। राइट फ्रॉम जेनेसिस, केन, तुम्हारा वर्शिप एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सोडस,
इस तरीका से पूरा एक्सोडस लेविटिकस आप देखेंगे और गिनती पूरा किताब किताब लिखा हुआ है, आधा से ज्यादा किताब दिया हुआ है ये बताने के लिए कि परमेश्वर का वर्शिप कैसा किया जाता है कैसा नहीं, कि याजक को कैसा रहना चाहिए, लोगों को कैसा रहना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट वर्शिप, इट इज ऑल अबाउट वर्शिप। यशाया, जरमाया, किंग्स, क्रॉनिकल्स, मलाकी तक परमेश्वर बता रहे हैं कैसा वर्शिप परमेश्वर एक्सेप्ट करते हैं कैसा नहीं। एवरीथिंग जो भी नहीं हम अपना मन से किया, दैट डजंट मैटर। मन से करना प्रेज गॉड वो अच्छा है लेकिन काफी नहीं है हम मन से किए। हमको वचन मन भी रहना चाहिए और वचन के प्रति आज्ञाकारिता भी रहना चाहिए। सिर्फ वचन के प्रति आज्ञाकारिता मतलब वो क्रम को हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं है, वो भी परमेश्वर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ क्रम है मन नहीं है, नहीं क्रम भी रहना है यानी कि वचन वो व्यवस्था के अनुसार भी रहना है और मन भी रहना है यानी कि वो भक्ति भी रहना है। परमेश्वर उज्जा को और हेजेकिया को वर्शिप सर्विस के बीच में जज किए। हम लोग को रियलाइज करना है, हम लोग वर्शिप करना तो चाहते हैं लेकिन हम लोग को उनको पवित्र जमीन पे वर्शिप करना है। पहला चीज मूसा को बोला गया, मूसा यू आर स्टैंडिंग ऑन होली ग्राउंड, तुम जिस जमीन पे हो वो पवित्र जमीन है, अपना जूता खोलो, अपना तौर तरीका बदलो। भजन का 29 का 2, साम्स 29:2, यहोवा के नाम का महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। किस प्रकार से वर्शिप करो? पवित्रता, वर्शिप हिम इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। एंड एक दूसरा सिंपलर वर्जन में ट्रांसलेट किया गया है इन होली अटायर, पवित्र पवित्र वस्त्र में। ना पुराना नियम में यस उनके लिए बताया गया था क्या वस्त्र पहनना है क्या वस्त्र नहीं पहनना है, बट व्हाट इज गॉड सेइंग, यू हैव टू बी कवर्ड इन होलीनेस, यू हैव टू बी ऑन होली ग्राउंड। कैसा वर्शिप एक्सेप्टेबल है? वो जिसमें आदमी परमेश्वर का पवित्रता को मानता है, आदमी परमेश्वर का पवित्रता को एक्सेप्ट करता है, को रेवरेंस देता है, उसका भय मानता है, परमेश्वर का पवित्रता को पहचानता है अपने जिंदगी में। भजन का 138 का दूसरा पद में लिखा हुआ है, मैं तेरे पवित्र मंदिर में की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व, सबसे ज्यादा, यू हैव एग्जॉल्टेड योर वर्ड अबव ऑल थिंग्स। नाम सबसे ऊपर है, उस नाम से भी ऊंचा उसका वचन है। यू हैव दैट रेवरेंस, दैट फियर, दैट ऑ फॉर हिज वर्ड। अगर हम लोग का जीवन में कोई पवित्रता के पीछे चलना का आदत नहीं है, कोई पवित्रता के पीछे दौड़ने का मन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, अध्ययन नहीं है, हम लोग का उस वो डायरेक्शन ही नहीं है हम लोग का लाइफस्टाइल का, तो परमेश्वर बोल रहे हैं डोंट टच द होली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉड, डोंट टच द होली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्शिप, डोंट टच द होली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्शिप अगर तुम्हारे लाइफ में होलीनेस नहीं है। एक बार एक चर्च एक पास्टर को बुलाए थे प्रचार करने के लिए, एंड वो पास्टर परमेश्वर के अभिषेक व्यक्ति थे, एंड ही वॉज रियली हेवन सेंट एंड अ प्रॉफिट। उस समय में फॉर दैट प्लेस ही वॉज रियली अ प्रॉफिट, वो सच में भविष्यवक्ता थे। एंड पहला चीज वो पास्टर बोले जब वो पुलपिट में चढ़े प्रचार करने के लिए, ही सेड तुम्हारा वर्शिप टीम मास्टरबेटर्स और फॉर्निकेटर्स से भरा हुआ है, योर वर्शिप टीम इज फुल ऑफ मास्टरबेटर्स एंड फॉर्निकेटर्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लोग सबके हाथ पाप से और दिल व्यभिचार से भरा हुआ है। अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे गीत स्तुति रूपी बलिदान है, तो डियर वर्शिपर्स बी होली एज योर फादर इज होली, डील विद द सिन ऑफ योर हैंड्स। परमेश्वर बोले अगर तुम्हारा, यीशु मसीह बोले अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें पाप करवाता है, तुम एक हाथ काट दो, फेंक दो और एक हाथ के साथ स्वर्ग जाओ, इससे वैत कि दो हाथ लेके नरक जाओ। हाथ, आंख, जीभ पवित्र करो, तब इससे परमेश्वर, इसके द्वारा परमेश्वर के लिए कुछ गीत, कुछ प्रचार, कुछ सेवा ऑफर करो। अपने हाथों को, अपने आंखों को, अपने जीभ को पवित्र करो। अगर कोई भी अनक्लीन, अशुद्ध चीज को परमेश्वर को ऑफर करोगे, डू नॉट थिंक गॉड विल एक्सेप्ट इट। परमेश्वर का फायर नहीं रहेगा, परमेश्वर का आग, परमेश्वर का मंजूरी का आग परमेश्वर नहीं बरसाने वाले हैं हमारे ऑफरिंग्स पे।
हम लोग का सीडी बिक सकता है, लोग ताली बजा सकते हैं, क्योंकि लोग हम लोग का, लोग चाहते हैं कि हम लोग और बढ़े, लोग चाहते हैं कि उनका चर्च और बढ़े, लोग चाहते हैं कि हम लोग और भी बढ़े. यू नो पेरेंट्स बहुत खुश हो सकते हैं हम लोग से, चर्च में लोग खुश हो सकते हैं हम लोग से, ओ वाह जवान लोग बढ़ रहे हैं, चर्च में एल्डर्स खुश हो सकते हैं, ओह वाह हम लोग का पास्टर और गहरा जा रहा है, ये सब कुछ हो सकता है. चर्च के लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में गॉड डज नॉट एक्सेप्ट इट. परमेश्वर अपना आग नहीं बरसाएंगे जब तक हम लोग का जिंदगी में वो पवित्रता नहीं रहेगा, हम लोग के हाथ, हम लोग के जीभ, हम लोग के आंखों में, हम लोग के बातों में. उल्टा परमेश्वर का आग का मंजूरी की जगह परमेश्वर का दंड का आग परमेश्वर उंडेल देंगे, दंड का आग परमेश्वर उंडेल देंगे. भजन का 2:11, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन करो. यानी कि आराधना में क्या रहना चाहिए, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डर और कांपना, थरथराना. ऑलवेज बी कॉन्शियस. आई लाइक सिंगिंग, तो हम बस गाने वाले हैं यहोवा के लिए. नो ऑलवेज रिमेंबर, ये कोई स्टेज नहीं है. दिस इज नॉट इंडियन आइडल, अमेरिकन आइडल एंड ऑल दिस. दिस इज वर्शिप. दिस इज नॉट जस्ट हम क्लास में एक्सटेम्पोरे दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं. दिस इज वर्शिप. यस परमेश्वर हमारे पिता हैं. एंजॉय हिज प्रेजेंस. कैसे एंजॉय करो, जानते हुए कि वो परमेश्वर भी है, कि वो परमेश्वर भी है. बहुत बार देखिए यीशु मसीह कैसे दिखाए कि परमेश्वर पिता है. वो बोले प्रार्थना करते समय, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमें सब कुछ दीजिए, हम लोग को आइसक्रीम दीजिए, हम लोग को कपड़ा दीजिए, हम लोग को अच्छा से एकदम स्पॉइल कर दीजिए. प्रभु आप तो पिता है ना, आप हम लोग को तो पैम्पर करेंगे, स्पॉइल करेंगे. तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा पूरा हो. वाओ वाओ, ऐसा किस्म का पेरेंटिंग हम लोग जानते तक नहीं है. पवित्रता, राज्य, तेरा इच्छा, योर डोमिनियन, तेरा राज. सब उपदेशक का 5:1, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं. You see that? परमेश्वर इस व्यक्ति को, सुलेमान को इस्तेमाल किए थे पुराना नियम का मंदिर बनाने के लिए, पुराना नियम में मंदिर बनाने के लिए. और वो जो मंदिर बनाया वो कहता है कि गार्ड योर स्टेप्स, ध्यान से कदम रखो. ये परमेश्वर का मंदिर है. जब तू परमेश्वर के भवन में जाता है सावधानी से चलना, गार्ड योर स्टेप्स, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों की बलिदान चढ़ाने से अच्छा है. मतलब हड़बड़ी में डोंट जस्ट रन एंड कुछ भी करो, जो मन है वैसा करेंगे क्योंकि हम दिल से करें. नो 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 नो, दिस इज गॉड्स हाउस, दिस इज गॉड्स हाउस, दिस इज गॉड्स हाउस. अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अंडरस्टैंड. नहीं हम लोग अपने चर्च में ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा सीखा. अंडरस्टैंड गॉड्स हाउस, परमेश्वर, ये परमेश्वर का घर है. इट डजेंट मैटर कौन सा डिनोमिनेशन कैसा करता है, बाइबल क्या चाहता है कि हम लोग कैसा रेवरेंस रखें प्रभु के लिए, कैसा रेवरेंस रखें. जब लोग बोलते, लोग परमेश्वर को एक ऐसा किस्म का पिता दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जिसे, हाँ सब ठीक है, चिंता नहीं करना, सब ठीक है, सब चलता है, दिल से करो ना, दिल से करो, परमेश्वर एक्सेप्ट करेंगे. गॉड डजंट से कि सिर्फ दिल से करो. वचन में लिखा हुआ है आत्मा और सच्चाई में आराधना करो. बस आत्मा से नहीं, आत्मा और सच्चाई नहीं, लेकिन हम दिल से किए, सच्चाई से नहीं किए तो डजंट मैटर. सच्चाई से करो वचन के अनुसार. दाऊद दिल के साथ किया आराधना, काफी नहीं था, उज्जा को मारा गया, उज्जा को परमेश्वर दंड दे दिए. क्यों? लेकिन दाऊद तो दिल के साथ आराधना कर रहा था लेकिन वचन के अनुसार नहीं कर रहा था. बाद में वो वचन को पढ़ा, खोजा, लॉर्ड क्या है सच्चाई, सच्चाई जाना कि वो जाना कि वो कहाँ पे गलती किया. उसके बाद वाचा का संदूक, वो याजकों को बोला तुम लोग को उठाना चाहिए था, हम लोग वहाँ पे गलत थे, हम लोग वचन के अनुसार नहीं किए, सच्चाई के अनुसार नहीं किए, चलो अब हम लोग फिर से जाएंगे और इस बार हम लोग उतना क्राउड पे ध्यान नहीं देंगे, म्यूजिक पे उतना ध्यान नहीं देंगे, हम लोग क्या पे ध्यान देंगे, परमेश्वर का पवित्रता पे ध्यान देंगे. कैसे परमेश्वर का पवित्रता पे ध्यान देंगे, हर एक 6 कदम में लहू बहाया जाएगा और याजक तुम लोग को परमेश्वर का संदूक को उठाना है. बैलगाड़ी पे नहीं, गाय को नहीं उठाना है, तुमको उठाना है.
पिछले बार तुम लोग नहीं उठा रहे थे, तुम लोग हल्का थे, तुम लोग उठाओ और इस बार लहू बहेगा। हम लोग याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे यीशु मसीह का बलिदान को, यीशु मसीह का पवित्रता को, यीशु मसीह जो कीमत हम लोग के लिए चुका है वो याद रखेंगे हम लोग, याद रखेंगे हम लोग, वचन के अनुसार चलेंगे। तो क्या दाऊद पूरा सिर झुकाए 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 एकदम अफसोस में जा रहा था? नहीं, नाच रहा था, नाच रहा था, लहू में नाच रहा था, लहू के वजह से नाच रहा था, लहू के कारण, लहू जो छुटकारा उसके जिंदगी में लाया, वो चिन्ह, लहू जो बहाया जा रहा है वो चिन्ह है जो छुटकारा हम लोग के जिंदगी में लाया, उस कारण से वजह से नाच रहा था, नाच रहा था। यानी कि हमेशा याद है, हम इसलिए नहीं नाच रहे हैं क्योंकि हमको नाचना पसंद है, क्योंकि गीत अच्छा है, हम इसलिए नहीं नाच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे दोस्त हैं और सब लोग नाच रहे हैं और लाइट्स बहुत अच्छा है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है झूम के नाचने में, उस वजह से नहीं। मैं पाप का दास था, परमेश्वर छुड़ाए हैं, परमेश्वर मुझे छुड़ाए इसलिए मैं नाच पा रहा हूँ। नहीं तो अगर आप अभी भी पाप में हैं, आप क्या चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं नाच के? क्या चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? गाना को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो गाना भी एक चिन्ह है, वो गीत में जो लिरिक्स है वो भी एक चिन्ह है यीशु मसीह जो किए हैं और जो करने वाले हैं। और अगर हम लोग परमेश्वर का वचन का अहमियत नहीं समझें और वचन के लिए भूखे और प्यासे, वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को जांचना है कि लॉर्ड हम लोग क्या सिर्फ गाना की वजह से कर रहे हैं या सच में लॉर्ड आई हैव दैट डीपर कनेक्शन विथ यू, भक्ति है मेरे जिंदगी में लॉर्ड, भय है मेरे जिंदगी में लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है मूर्खों का बलिदान मत चढ़ाओ, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वो लोग, वो जानते नहीं कि वो लोग बुरा कर रहे हैं। उनका ऑफरिंग जो वो मिनिस्ट्री कह रहे हैं वो परमेश्वर की नजरों में बुरा है। दूसरा और तीसरा पद, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वोपदेशक का पांचवी अध्याय दूसरा और तीसरा पद, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, इसलिए तेरा वचन थोड़ा ही हो। जो हम लोग बोल रहे हैं परमेश्वर के सामने बोल रहे हैं, बी केयरफुल, सावधान रहिए। इसलिए डोंट बी क्विक टू जंप इन टू मिनिस्ट्री, खासकर वो किस्म का सेवा जो जिसमें आप वचन बांटते हैं। याकूब का 3:1 और वापस हम लोग आएंगे सब उपदेशक में। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। That's what God is saying. जो उपदेशक है, जो लोग वचन का सेवा कर रहे हैं, वो ज्यादा दोषी ठहरेंगे। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। कूद के एकदम उतावली मत हो जाओ कि हम प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे। यू रियलाइज उतावली रहेगा प्रचार करने के लिए, लेकिन जीवन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। मसीही जीवन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, सच्चाई गहराई में डेवलप नहीं हुआ है, वो चरित्र डेवलप नहीं हुआ है, और बस बोल दिया, बोल दिए, हल्का में बोल दिए, बिना खुद अप्लाई किए, बस मजाक मजाक में आधा घंटा पार कर दिए, लोग को खुश किए, लोग को तसल्ली दिए, लोग इम्प्रेस हो गए मेरा बोलने का तरीका से। एंड गॉड सेज, यू नो, तुम लोगों के सामने नहीं बोल रहे थे, तुम चर्च के सामने नहीं बोल रहे थे, तुम मेरे सामने बोल रहे थे। वो मेरा भवन है, वो मेरा पुलपिट है, वो मेरा वचन है, तुमको मुझे रिप्रेजेंट करना है। यू नो, एवरी संडे, एवरी टाइम, व्हाट इज गॉड सेइंग? आर वी रिप्रेजेंटिंग गॉड? क्या मैं गवाह हूं या नहीं? एम आई ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड और नॉट? इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, ये बहुत ही गंभीर बात है। याद है पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह बोले, तुम ये सुने हो लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, और परमेश्वर बताए बी एटीट्यूड। यू नो, वो सर्मन को प्रिपेयर करने के लिए वो कितना समय लिए थे? 30 साल, पूरा लाइफ। इसलिए जब वो बोले उनके बातों में अधिकार था, और लोग बोले ये फरीसी और सदूकियों के जैसा नहीं बोल रहे हैं, उनके बातों में अधिकार था, देयर वाज अथॉरिटी। भाई और बहनों, हमें वो जरूरत है, वो अधिकार का पुलपिट में, फिर से हमें जरूरत है वो अधिकार के अपने लाइफ में, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अधिकार का जरूरत है हमें लाइफ में। यू नो व्हाट वो आत्मिक अधिकार है? पावर ओवर डार्कनेस, अंधकार के ऊपर ताकत, पाप के ऊपर ताकत, शैतान के ऊपर और संसारिकता के ऊपर ताकत, सामर्थ कि ये सब चीज़ों को हराए हम लोग अपने ज़िंदगी में। सब उपदेशक का 5:4-5, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा कर, उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना,
मन्नत मानकर पूरा ना करना, पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा था। देखिए, जब आप कन्विक्शन होता है आपके दिल में पवित्र आत्मा का और आप कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं पापों का और आप कहते हैं प्रभु मैं ये रास्ता छोड़ रहा हूँ, पाप को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये रिश्ता से निकल रहा हूँ, एंड यू राइट डाउन, आई एनकरेज यू, आप लिखिए जो आप परमेश्वर को प्रॉमिस किए हैं, द वाउ यू हैव प्रॉमिस टू गॉड कि लॉर्ड आई लीव दिस सिन, मैं इसको ये पाप को मैं छोड़ने वाला हूँ, उसको लिखिए अपना डायरी में और मेडिटेट कीजिए और मांगिए अनुग्रह कि वो उसमें आप चल सके, ताकि बाद में आप भूल ना जाए, क्योंकि आप जो परमेश्वर के सामने कह रहे हैं कि लॉर्ड मैं ये चीज़ छोड़ने मांगता हूँ, मत सोचिए परमेश्वर भूलने वाले हैं, सब कुछ न्याय के सिंहासन में वापस आएगा, तुमने ये कहा था, तुमने झूठ बोला परमेश्वर को, लॉर्ड वो तो उस दिन लॉर्ड मुझे खराब लगा इसलिए मैंने कह दिया, नहीं 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 नहीं, देखिए कोर्ट में आप जो कहते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है, राइट, वो रिकॉर्ड किया गया, एक एक शब्द आपके जो मुंह से निकला है टाइप किया जा रहा है, एंड फॉर एवर रिकॉर्डेड है, वैसा ही। अरे मैंने तो परमेश्वर को संडे को बोल दिया था, पास्टर नहीं है चेक करने के लिए, पास्टर सुने भी नहीं हम क्या बोले, मन में बोले थे, परमेश्वर सुने, परमेश्वर जानते हमारे मनों में क्या आता है, एजिकेल में लिखा है मैं तुम्हारे मन का सोच को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या क्या सोच विचार आते हैं, वही व्हाट वी डिस्कस्ड, प्रभु मैं भूखा हूँ, लेकिन अगर हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कहाँ गया भूख, तब क्या हम इतना नारा लगा रहे थे प्रभु के साथ, प्रभु मैं भूखा हूँ भरिए भरिए भरिए। छठवीं और सातवीं पद, कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने, यानी कि जो परमेश्वर का दास है उसके सामने कहना कि ये तो भूल से हो गया, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुत आयत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। हियर परमेश्वर, अब परमेश्वर अपने दासों के विषय में भी कुछ कह दे रहे हैं, आपके बातों से आप पाप ना करें, परमेश्वर का भय मानिए। सो मेनी क्रिश्चियंस जो फेलोशिप कह रहे हैं कि वो लोग फेलोशिप किए, एक्चुअली गॉसिप है, एक्चुअली गॉसिप है, दूसरों को जज करना है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, आर यू द मोस्ट प्रेयरफुल मेंबर इन द चर्च, और एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर्स जो घंटों घंटों हर दिन प्रेयर करता है? आपको दूसरों को जांचने का जरूरत नहीं, अपने आप को जांचिए। आर यू अ पर्सन जो लगातार हर दिन घंटों घंटों प्रार्थना करता है? नो। ओके, आर यू द पास्टर? नो। आर यू एन एल्डर? पास्टर ने कहा है कि आप एक कलीसिया में एक एल्डर हैं? नो। ओके, वही तब ऐसा क्यों होता है कि आपके पास, देखिए प्रार्थना जीवन नहीं है, हर दिन घंटों घंटों प्रार्थना करना मध्यस्थी करने वाला जीवन नहीं है, वो बस हाँ जब यू नो मीटिंग्स होता है तब एक साथ करते हैं, लेकिन यू नो कि प्राइवेटली आप नहीं कर रहे हैं। यीशु ने कहा क्या तुम एक घंटा नहीं प्रेयर कर सके मेरे साथ? दूसरा चीज, ना तो आपके पास अधिकार का कोई पोजिशन है। तब मैं पूछता हूँ क्यों लोग आपके पास जाके आपका कान भरते हैं कि कौन क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के द्वारा ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है? नो, पाप आपको खोज निकालता है और आपके पास ही जाके दिल में बसता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? शैतान जानता है कि किसके अंदर चुगली सुनना और चुगली बोलने का आदत है, कान से उनका लार टपकता है, और वही कलीसिया में वही कानों के पास शैतान जाके बताएगा, शैतान जाके भरेगा। देखिए, जिसको चुगली करना है उसको मालूम है किसके पास जाना है। लोग जब हमको बताने की कोशिश करते हैं ये चर्च में ये हो रहा है वो पास्टर हो गए, हम तुरंत बोलते हैं चैप्टर बंद करो, चैप्टर बंद करो, चैप्टर बंद करो, हमको नहीं सुनना, तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो गया ना, हाँ तो छोड़ो ना, क्या बता रहे हो फिर से? नहीं पास्टर ऐसा, हम आपको बताने मांगते हैं ऐसा हुआ है, फिर से वो लोग शुरू कर देंगे, हम बोलते हैं चैप्टर बंद करो, अगला दिन कॉल करेंगे फिर से वही शुरू कर देंगे, हम बस बोले आप छुटकारा चाहते हैं या आप बताने मांगते हैं कि कौन क्या किया, ये क्या किया? आप छुटकारा चाहते हैं अपने जिंदगी में, तब बात करेंगे, हमको नहीं टेंशन लेना है कौन क्या किया, नहीं हम रिकॉर्ड किए हैं और मेरे पास सबूत है कि वो क्या किया है, हम आपको भेज रहे हैं। हम बोले तो हम ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं अगर आप हमको भेज रहे हैं तो आप भेजने के बाद अपना फोन से डिलीट कर दीजिए,
बोल रहे हाँ हाँ ठीक है हम डिलीट कर देंगे, तब वो लोग जब भेज देते हैं हम भी हटा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं जरूरत है हमको जानने की कौन पास्टर क्या कर रहा है, जब तक वो, अगर वो पास्टर मेरे अंडर नहीं है हमको नहीं जानने की कौन क्या कर रहा है, रियली हमको नहीं जानना है। बाइबल में लिखा हुआ है एवरीवन राइजेज एंड फॉलेथ टू हिज ओन मास्टर, हर एक दास अपना स्वामी के सामने खड़ा होता है या गिरता है। मैं उसका स्वामी नहीं हूं, वो मेरा अथॉरिटी मैं नहीं है, नहीं लेकिन मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ, ओके आपको छुटकारा चाहिए लेट मी टेल यू आप क्या कर सकते हैं। नहीं हमको बताना है कि वो क्या किया, हमको इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, हमको इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, क्योंकि हम, क्योंकि यशाया का 11 में लिखा हुआ है, ओके लेट्स गो देयर, यशाया का 11 तीसरा पद, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। भाई और बहनों, आई वॉन्ट टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड जजमेंट पास करने के लिए, जहां पे मेरा अधिकार है वहीं पे हम पास करेंगे, दूसरा जगह हम नहीं पास करने मांगते हैं। यू नो ये जो लोग आके कान भरते हैं ना, दोसा लेक एटम बॉम्ब आपको दे दिए हैं कि अगर आप वो चीज बोल देंगे तो लोग का परिवार, लोग का चर्च, वो डिनोमिनेशन, मसीही संगति शहर में खत्म हो जाएगा, लोग का विश्वास प्रभु से ही हट जाएगा। तो ऐसा चीज सबको क्यों फैलाए कि कैसे मसीही लोग क्या कर रहे हैं दूसरे मसीहियों के साथ, क्यों ये सब चीज फैलाए? बोलिए आप क्या फैलाए हैं, आप क्या परमेश्वर से माफी मांगे? मैं डॉक्ट्रिन्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूं भाई और बहनों, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सब एटम बॉम्ब बेस्ट है, दफना दो, खत्म कर दो। नहीं अब मेरे पास वो चीज है, हम कन्फ्रंट करेंगे उस व्यक्ति को, अगर आपका अधिकार नहीं है मत कीजिए, अगर आपका अधिकार नहीं है मत कीजिए, नहीं मेरे साथ बुरा हुआ है परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए, पलटा लेना परमेश्वर, आपका हाथ बढ़ाए कि प्रभु का हाथ बढ़ाए, प्रभु का हाथ बढ़ाए ना, वो करेक्ट कैलकुलेशन के साथ लेंगे पलटा। हम अगर बदला लेंगे तो या तो ज्यादा या तो कम, देखिए पुराना नियम में क्या लिखा हुआ था, एक आंख के बदले एक आंख, दांत के बदले दांत। परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, पुराना नियम में परमेश्वर ये दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहे थे, क्या तुम हमेशा कैलकुलेटिव जजमेंट ले पाओगे? नहीं, उसको लोग लिटरली ले लिए, सोचे कि परमेश्वर बोल रहे हैं बदला लेने के लिए, नो 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 नो, यीशु मसीह समझाया और बोले बदला लेने नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं दूसरा गाल दे दो। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे मारा और मेरा एक आंख फूट गया, हम बोलते हैं देखो देखो व्यवस्था के अनुसार हमको तुम्हारा आंख फोड़ना है, तो अब ये एक यहूदी बता रहा था कि कैसे परमेश्वर ये आज्ञा दे के लोग को सिखाए कि न्याय परमेश्वर के हाथों में छोड़ने के लिए। वो बोला कि कोई मेरा आंख फोड़ दिया, अब क्या मैं एग्जैक्टली वो परिस्थिति को रिपीट कर सकता हूं उसके साथ? अगर मैं उसको एक मुक्का मारा और उसका दोनों, उसका आंख के साथ उसका नाक भी टूट गया, तब वो बोलेगा हे तुम ज्यादा किया, अब हम तुम्हारा नाक तोड़ेंगे, और वो फिर से मुझे मेरा नाक तोड़ा और दूसरा आंख भी फूट गया, अब हम बोले अब तुम हमको ज्यादा किया, अब हम तुमको मारेंगे और उसका हम जॉ तोड़ दिए। यू रियलाइज देयर इज नो एंड टू इट। इसीलिए एन आई फॉर एन आई एक्चुअली मेंट लीव इट टू गॉड, परमेश्वर ही एग्जैक्टली बदला ले सकते हैं, लीव इट टू गॉड, मनुष्य नहीं ले सकता है। दैट इज वॉट गॉड सेड। इसीलिए पुराना नियम में लिखा हुआ है वेंजेंस इज माइन, वेंजेंस इज माइन, पलटा लेना परमेश्वर का है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पुराना नियम में तो अलाउड है बदला लेना, नहीं नहीं नहीं, पुराना नियम में लिखा हुआ है एक आंख के बदले एक आंख, ये सिखाने के लिए कि एक मनुष्य कभी भी सही रूप से बदला, कभी भी जजमेंट नहीं ले पाएगा। क्यों? या तो हम लोग ज्यादा कर देंगे या तो कम हो जाएगा, या तो पक्षपात होके हम लोग ज्यादा कर देंगे या तो कम हो जाएगा, भावुक होके ज्यादा कर देंगे या तो कम हो जाएगा। एंड गॉड सेज जस्ट लेट इट बी, वो जब बुरा करे तुम अच्छा करो, वो जब श्राप दे तुम आशीष दो। दैट इज द न्यू कवेनेंट, दैट इज द न्यू कवेनेंट, यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज व्हाई यू वर्शिप। हम लोग क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर का मंदिर में प्रवेश करने का। यू वर्शिप
बी वेरी केयरफुल इन योर रिलेशंस, पवित्रता रहना चाहिए। गिनती का 20:12, रिमेंबर पौलुस टिमोथी को बोलता है बहनों को जवान स्त्रियों को बहन के रूप में, बुजुर्ग को पिता के रूप में। एक पवित्रता रहना चाहिए हमारे रिलेशनशिप्स में। गिनती का 20:12 सॉरी, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसमें मैं उन्हें दिया हूं। मूसा, तुम मुझे एक मैटर में विश्वास नहीं किए, एक मैटर में तुम सफल नहीं हुए, ये मेरा पवित्रता मुझे एक पवित्र रूप से प्रकट करने के लिए लोगों के ऊपर, और उसके वजह से मूसा तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या मैटर था? लोग रो रहे थे, पानी चाहिए, शिकायत था, पानी 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 की तरह पानी नहीं ला रहे, हम लोग मर जा रहे हैं यहाँ पे, लोग कंप्लेन कर रहे थे। परमेश्वर मूसा को बोले, मूसा पहली बार परमेश्वर मूसा को बोले, लाठी लो, चट्टान को मारो, पानी आ जाएगा। पहली बार, दूसरी बार लोग फिर कंप्लेन किए, पानी कहाँ है, कुछ पानी नहीं है। पर और इस बार मूसा एकदम थक गया था, उब गया था। परमेश्वर मूसा को बोले, मूसा काम डाउन, लाठी लो, मारना वरना नहीं है, बस बोल दो चट्टान को, पानी निकलो, चट्टान से पानी निकले और पानी निकलेगा। मूसा गुस्सा में गया गुस्सा में, लिया लाठी को और जोर से मारा चट्टान पे, पानी धड़ा के निकला, लोग का कंप्लेन खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर उसको बोले, मूसा हाँ प्रभु, मूसा तुम को नहीं करना चाहिए था, हम तुमको क्या बोले थे, हम तुमको बोले थे कि तुम चट्टान से बातें करो और पानी निकले, अब पानी तो निकला ना लॉर्ड। मूसा तुम मेरा आज्ञा को नहीं माने। मूसा दूसरा का बात टालना, मेरा बात टालना अलग बात है, लेकिन लॉर्ड आशीष तो आया। मूसा बात आशीष का नहीं, वो तो मेरा दया है, बात मेरे बातों का पवित्रता का है, मेरे बातों का अहमियत का है, मेरे बातों का ऊंचाई का है। सैमुएल ने सॉल को बोला, पहला सैमुएल का 15:17, तुमने परमेश्वर के बातों को तुच्छ जाना, इनकार किया, और परमेश्वर तुम्हें राजा होने से इनकार करते हैं। आप राज करने मांगते हैं नया मिलेनियम में जो आने वाला है, परमेश्वर के बातों का अहमियत आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा है? इट्स नॉट आप क्या लगातार सुन रहे हैं कि नहीं, कितना ऊंचा है परमेश्वर के बातों का अहमियत आपकी जिंदगी में। तुम गुस्सा में आके मेरे बातों को तुच्छ जाने, तुम गुस्सा में आके मेरा आज्ञा को तुम टाल दिए, मेरे बातों को तुम नहीं माने। वॉट इज द लेसन? द लेसन इज परमेश्वर के बातों का के सामने थरथराइए, भय मानिए, ऑनर इट। पहला तिमोथी का 5:17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाए। यहाँ पे खासकर उनके लिए बोला जा रहा है, जो वचन में परिश्रम करते हैं वो दो गुना आदर के योग्य समझे जाए। आई यूज टू थिंक कि लेकिन हम लोग तो सब एक अच्छा परिवार है, आई लव माई पास्टर एंड माई पास्टर लव्स मी, हिज वाइफ लव्स मी, हम उनके साथ खाते पीते हैं, उनका घर में भी कई बार रहे हैं, वो लोग हमको इतना अच्छा से मेरे साथ बर्ताव करते हैं और एकदम कैजुअल रहते हैं मेरे साथ, जोक करते हैं मेरे साथ। एंड आई रियलाइज्ड दिस वर्स, ये पद, इट्स अबाउट ऑनरिंग गॉड मोर, ऑनरिंग हिज वर्ड मोर, उनका वचन का आदर करना, than just about honoring the servant of God, than just keep pastors ka aadar karna. You know why? Because I noticed one thing. Mere jo dost prabhu ka bhay, mere jo dost sach mein prabhu mein badh rahe the, main ek cheez unka zindagi mein dekha, ki wo parmeshwar ke daason ko bahut aadar karte the. Because I wanted to learn kaise ye log prabhu mein aur badh rahe hain, tezi se badh rahe hain, and I noticed उनके जिंदगी में परमेश्वर के दासों के लिए बहुत आदर था, बहुत ऊंचा रिस्पेक्ट था।
दे हैड ग्रेट ऑनर फॉर सर्वेंट्स ऑफ गॉड इन देयर लाइफ, क्योंकि ये एक चिन्ह था, ये उनकी जिंदगी में मैं जो परमेश्वर के दासों के आदर को देख पाया, ये एक्चुअली एक चिन्ह था भीतर में उनके जिंदगी, उनके हृदय के भीतर में परमेश्वर का वचन के प्रति जो आदर था उसका बाहरी चिन्ह था उनकी जिंदगी में परमेश्वर के दासों के प्रति आदर। आज के समय में आई थिंक जो लोग वचन सुन रहे हैं, शायद आप एक ऐसे परिवार से जहाँ पे आपके परिवार के सदस्य परमेश्वर का ना तो वचन के आदर करते हैं ना तो वचन के सेवकों का आदर करते हैं। एंड शायद आपके परिवार में कई बार परमेश्वर के दासों के खिलाफ बातचीत हुआ है, ऐसे सेवकों के बारे बातचीत हुआ है जो और मजाक उड़ाया गया है उनका लाइफस्टाइल के बारे, उनके कपड़ों के बारे, उनके बात करने का तरीका, उनका कमियों, उनके घटियों का धज्जी उड़ा दिया गया है आपका डिनर टेबल में। शायद आप नहीं किए लेकिन आपके घर वालों ने कुछ किया और शायद सुन सुन के आप भी वो मजाक में हिस्सा लिया और हंस दिए। बी वेरी केयरफुल, शैतान यही चाहता है कि धीरे धीरे आपको सेंसिटाइज कर दे, कि आपको आपका हृदय को के अंदर जो भय है ना उसको खत्म कर दे, आपका हृदय के अंदर जो आदर है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के दासों के प्रति उसको खत्म कर दे, कि आपको बुरा नहीं लगे जब आपके सामने परमेश्वर के दासों का मजाक उड़ाया जाता है, परमेश्वर के दासों के कमियों और घटियों का खुलासा किया जाता है और मजाक उड़ाया जाता है। इट्स वेरी डेंजरस, मैं ये अनुभव से बता रहा हूँ, इट्स वेरी डेंजरस। क्योंकि अगर हम लोग विश्वासी हैं लाइक आई सेड और आप पूरा कोशिश किए अपना शरीर को वचन के अधीन लाने में, कि लगातार आप में एक डिसिप्लिन आए प्रार्थना और वचन सुनने का, लगातार हर दिन सुनना, जांचना खुद को, शैतान अगला चीज क्या करेगा, वो कोशिश करेगा आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड फियर ऑफ गॉड है ना उसको डाइल्यूट करने का, उसको अडल्ट्रेट करने का, आपका परमेश्वर के प्रति जो भय है उसको घटाने का। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड, मेरे पास्टर मेरे साथ फ्रेंडली एंड कैजुअल और जोक करते हैं एट टाइम्स, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भय और मेरा आदर उनके लिए घटना चाहिए, बट दैट इज सो दैट या वो जो वचन दे रहे हैं उसका सीरियसनेस मेरा जिंदगी में घटना चाहिए कि हाँ ठीक है। नहीं, इनफैक्ट वो इसीलिए मेरे साथ कैजुअल और फ्रेंडली इसीलिए हैं ताकि मैं उनको अप्रोच कर सकूँ, ताकि मुझे डर नहीं लगे उनको अप्रोच करने में, जब मुझे कोई परेशानी, मैं कोई संकट में हूँ, मैं कोई दुविधा में हूँ, मैं अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं आसानी से उनको अप्रोच कर सकूँ। उस वजह से वो अपने आप को मेरे इतने करीब रखते हैं, एक करीबी के साथ बात करते हैं, एक कैजुअलनेस के साथ बात करते हैं, ताकि मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करूं उनके साथ अपना पूरा दिल खोल के बात करने के लिए। बट इवन एट चर्च एंड मिनिस्ट्री लेवल हम लोग को समझना है ये, इन टूडेज क्रिश्चियन कल्चर, आज का क्रिश्चियन कल्चर में आई हैव सीन दैट यू नो सेम चीज, मैं परमेश्वर का भय के बारे में बात कर रहा हूँ नाउ, अभी ठीक है परमेश्वर के दासों के बारे में बात किया, अब मैं बात करना चाहता हूँ सेवकाई के विषय में। आई हैव सीन दैट आज का मसीहत में कि एक चूहों का दौड़ लगा हुआ है। व्हाट आई मीन इज इंग्लिश में जैसे बोलते हैं रैट रेस, करियर में रैट रेस होता है ना, कौन प्रमोशन तुरंत पाएगा, कौन और कमा के दिखाएगा, वही चीज बहुत बार मिनिस्ट्री में होता है, दौड़ लगा हुआ है। क्या का दौड़ लगा हुआ है, कौन ज्यादा लोग को बैप्टाइज कर रहा है, कौन ज्यादा चर्च प्लांट कर रहा है, कौन अपना झंडा गाड़ रहा है, कौन ज्यादा चर्च का ब्रांचेस खोल रहा है, किसका वर्शिप टीम बड़ा हो रहा है, किसका वर्शिप टीम और टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, किसका कौन अपना चर्च खड़ा कर रहा है, कौन अपना चर्च एस्टैब्लिश कर रहा है मतलब बिल्डिंग के साथ, किसका चर्च और बढ़ते जा रहा है संख्या में, किसका वर्शिप टीम में और बेटर इक्विपमेंट आ रहा है, ये सब वो पवित्र लालच है। लालच है लेकिन क्योंकि हम लोग चर्च के चीज़ों के विषय में और मिनिस्ट्री के चीज़ों में सोच रहे हैं तो हम लोग उसको एक पवित्र चादर उसके ऊपर ओढ़ा दिए हैं, लेकिन लालच तो लालच है, दौड़ तो दौड़ है, हम लोग एक दूसरे से जलन नहीं और परमेश्वर के बारे नहीं सोच रहे हैं अब, अरे वो इतना चर्च प्लांट कर दिया, अरे उसका चर्च में इतना बड़ा वर्शिप टीम, इतना टैलेंटेड, इतना वो लोग अपना गाना रिलीज कर रहे हैं, कवेटियसनेस। और ये दौड़ में हम लोग परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के वचनों के सामने थरथराना भूल जाते हैं। इमेजिन एक पास्टर 20 चर्चों को प्लांट किया, अपने जिंदगी में 20 चर्च प्लांट किया,
20 चर्च प्लांट करने के लिए बहुत संघर्ष का जरूरत है, बहुत लेबर, बहुत परिश्रम का जरूरत है, बहुत पसीना, बहुत प्रार्थना, बहुत सताहट, बहुत बदनामी, बहुत कुछ होगा, नेटवर्किंग, बहुत टैलेंट का भी जरूरत हो सकता है, यू नो, बहुत चीज़ों का जरूरत हो सकता है। बट इमेजिन एंड ऑफ योर लाइफ आप सोच रहे हैं कि प्रभु आप मुझे कितना क्राउन देंगे, आप सोच रहे हैं, आप गिन रहे हैं कितना सहे हैं प्रभु के लिए, यू नो, एंड सोच रहे हैं कि आपको कितना मिलेगा, एंड प्रभु आपको कहता है बेटा तुमको मालूम है उनमें से एक भी चर्च मेरा घर नहीं है। प्रभु वो तो आपका भवन हम बनाए, 20-20 भवन आपके लिए हम घर बनाए आपके लिए, एक भी मेरा घर नहीं है। क्यों प्रभु? क्योंकि जो नम्र और खेदित मन के हैं और जो मेरा वचन के सामने थरथराते हैं और भय मानते हैं, हम उसी में वास कर पाते हैं, और तुम्हारा कोई भी चर्च नम्र कलीसिया नहीं है, हम उनमें रह नहीं सकते हैं, सबका सब लौदी क्या है, हम उसमें रह नहीं सकते, आई कैन नॉट स्टे देयर। बट वाई लॉर्ड? बिकॉज मैं स्वर्ग में रहता हूं और उसमें रहता हूं जो नम्र मन के हैं, और तुम्हारा कोई भी चर्च जो तुम प्लांट किए हम्बल नहीं है, वो मेरा घर नहीं है। लोग के सामने बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट रैदर यू वुड हैव प्लांटेड वन चर्च, परमेश्वर मुझे बोले रैदर एरिक तुम एक चर्च प्लांट किए और ये निगरानी रखे कि सब के सब नम्रता के साथ मेरे साथ चल रहे हैं, कि सब में मैं एक घर पाता, मैं एक डेरा पाता, ताकि मैं उनके बीच में वास कर पाता। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए संख्या के बारे था, लेकिन नहीं तुम्हारे बारे नंबर्स के बारे था, लेकिन नहीं तुम्हारे बारे टैलेंट के बारे था, तुम्हारे बारे वर्शिप टीम का इक्विपमेंट के बारे था और टैलेंट के बारे था, नहीं तुम्हारे बारे पॉपुलैरिटी के बारे था, ये सब अहमियत रखा। एंड मैं कितना शर्मिंदित रहूंगा पूरा स्वर्ग में अनंत काल भर। वाई? क्योंकि आई डिड नॉट मेक अ होम फॉर गॉड, मैं परमेश्वर के लिए एक भवन नहीं बनाया, एक डेरा नहीं बनाया, मैं लोगों के नज़र में बड़ा बना, मैं मिनिस्ट्री और मसीहत के लोगों में, मैं ऑर्गेनाइजेशंस का दौड़ में मैं आगे बढ़ा, और जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। भाई और बहनों, ये सेशन, ये पूरा सीरीज क्या के बारे था? परमेश्वर का घर बनना है, ताकि परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर के वचन वास कर सके। परमेश्वर का वचन याद रखिए का चरित्र परमेश्वर का चरित्र है, एंड परमेश्वर सिर्फ जो नम्र और दीन है उन्हीं के साथ वास कर सकते हैं। इसलिए धीरज रखना है, लगातार अपने आप धीरज से हम लोगों को खरा उपदेश सुनना है, लगातार अपने आप को खाली करना है ताकि और भर सके, और भूखा रहना ताकि और भर सके। और जैसे परमेश्वर हम लोग को भर रहे हैं, याद रखिए नम्रता, परमेश्वर का भय, ये बना रहना चाहिए हम लोग के लाइफ में। धीरज के साथ हम लोग को परमेश्वर का भय को बचा के रखना है, गार्ड द फियर ऑफ गॉड, नहीं तो उसका वैल्यू घट जाएगा आपके ज़िंदगी में। और आप सुन रहे हैं लेकिन हृदय कठोर हो गया है, पानी सब जगह, अंदर में कुछ लाभ नहीं। एंजॉय कीजिए परमेश्वर को, लेकिन हमेशा याद रखिए वो कौन है और उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु आपको, आपका दया है लॉर्ड, आपका ये दया है, करुणा है, प्लीज़ लॉर्ड हमें क्षमा कीजिए, हर एक पाप से धोइए लॉर्ड, हमें भरिए लॉर्ड, हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए आपके साथ चलने। धन्यवाद पिता, आपका लोगों को सब पे छिड़कते हैं जो सुन रहे हैं, हर एक के अंदर काम कीजिए, ये वचन लॉर्ड हृदय के गहराइयों में जाए और अनेक निर्णय को उत्पन्न करे, सिर्फ भावनाओं को नहीं छुए लेकिन हमारा इच्छा को बदले, हमारे इच्छा को समर्पित करे लॉर्ड, ताकि हमारा मन आप बदल सके और नया कर सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, हमारे अंदर काम करते रहिए पवित्र आत्मा, हर एक की जिंदगी में काम कीजिए, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। मे द लव द फादर, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विद ईच वन ऑफ अस, आमीन।